अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम ब्यूरो टाइम से गड अज़हर गुल सरकी हाजिर आया। जैकबाबाद जिले अंदर लागी तो रेलवे वाले हवाले से हादसा थी रहा है। जैकबाबाद की रेलवे स्टेशन से बीठल सखर एक्सप्रेस की बोगिन के केतरा ही भेरा बाहे डेई साड़ियो वियो है। उनके अलावा ट्रैक्स से धमाका थी रहा है। उन हवाले से असो जो प्रोग्राम है हली उन जिम्मेदार अख्तियार से गलाइंदी त आखिर इन वाक्य जहाँ सबब कड़ा ये वाक्या किए रोके सकजन था। इन अलावा केतरो नुकसान थी चुको है, करोड़न जो नुकसान थी चुको है। उन मुतलिक हली मुख्तलिफ अख्तियार से गलाइंदी तेजी कड़ी राय दियन था। नाजरीन इन वक्त असा डीएसपी रेलवे जैकबाबाद वजीर अली सीलरों गडा उन्होंने गलाइंदी तो हि ट्रेन हादसों वाला जो इशूज आन बोगियन के बाह लगन वा जो इशूज आन आखिर केतरा दफ़ा वो ट्रेन की बोगियन के बाह लगी है, आखिर इन इशूज का कड़ा कारण आन। वजीर अली साहब तुम मेहरबानी करें यो बुधायो तो सखर एक्सप्रेस की बोगियन के इन मल ती केतरा भेरा बाह लगी है, केतर बोगियो सड़ी हैं? यो सर तकरीबन इन चार दफा लगी आ, जैमें टे बोग पे सड़ियों टे बाद में बिन बिन जैमल टों दफा लगी तो सीटन के हुई उन सीटा जो फुट फुट सड़ियों हाँ जी कोच सड़ी आ। इन के कारण असली हि अड़ी शह लगाई थी वे जैसे अख नजर से नी दिठी वे ड्यूटी उन वक्त थी जैसे जैसे अख दिसंदी तो भाई ये शह आ मू अचे तो जी शे अचे थी तो अस उन फिल फोरन एतरे कदर भी अस ड्यूटी क्यों मैं को बारीक केमिकल लगा नजर भी नो बिल्कुल अस साल ही पैदा ना जो अस शह नजर अचे। मुझे 28 साल सर्विस आ, मुख्य उन 28 साल में कदें भी एक्सप्लेन कॉल न मिली अन पड़ी का कोताही कई है। इन वक्त जो भी पोजिशन आ गाड़ी अचे तो मुझी निगरानी में गाड़ी के चेक करे बाथरूम उनको वो सफाई कराए उनको इनके सफाई के बाद कपड़ो हणाए उनके बाद में मुलाजिम डिप्यूट कह जैमें एक मुलाजिम रेलवे जो हों मुझे पुलिस कॉन्स्टेबल हों उन बावजूद मैं इतने 24 कलाक जैस तक गाड़ी बीठी हुई पा निगरानी कह इन बाद में बो मट अड़ो को भी आलो को बी रेलवे की असली असि जो मसलो इतने रेलवे स्टेशन से पानी को पिचकारी को उन बाद में मुझी पूरी कोशिश होंगी तो भावे रेलवे के नुकसान को बचाने की पानी को रेलवे स्टेशन से पिचकारी को उनका अलावा जो वो बंद था कर लॉक्ड कर कुछ अड़ा कंपार्टमेंट जिनके दिसण मुश्किल हो तो ये समूरी जो समूरी पानी दस्तियाब कर पिचकारी करने की जिम्मेदारी कें रेलवे की मुझे कम आ सिक्योरिटी दियन इतने जो भी इंतजाम है कोई भी रेलवे अफसर चाहे अगर मुझी ड्यूटी की कोताही आ तो उन जिम्मेवार जो मुख्य शे दिनी अथों मैं वह इस्तेमाल क्या तो वह दुनिया के भी खबर है। इन वक्त भी यह पोजिशन आ गाड़ी जहाँ दरवाजा दरियों लेटरिन बाद खुद चेक करें मुलाजमन के हैंडओवर कह भला यार्ड से बीहण खो अगमें समूर कुछ करे था छो ये जो केमिकल है एतो बारीक केमिकल है जो नजर भी नो अचे उनके डिटेक्ट करने के लिए कड़ी जदीद इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है या इक्विपमेंट होजन? बिल्कुल जरूरत है। मुझे कई दफा अफसर के भी चुना तो भाई अड़ी शह दियो जो अस सीट से हणूँ तो अस घट में खबर तो पे न इतों की शहर की भी एडी पोजिशन आसान फायर ब्रिगेड को पूरे शहर की इं पोजिशन आ तो फायर ब्रिगेड को उनके बाद भी मैं एयरपोर्ट वाले को फायर ब्रिगेड गाड़ी घुराई छो तो उनमें टाइम तो लगी वे। पर भी एक गाल सिलर साहब ऐसो ये जैकबाबाद रेलवे स्टेशन समेत ये शहर अड़े हंध से कायम आ चंद किलोमीटर का पर बलोचिस्तान शुरू तो थी वाले ताज़ो ही जैसे रेलवे ट्रैक से धमाको थो नुकसान थो तो उते यार इंतजामिया पारा बखुद तहजी रेलवे पुलिस पारा भी यह गाल कई वही बलोचिस्तान से पैरारल एक रेलवे ट्रेक हले तो तकरीबकारी जो कार्रवाई ओडो कर मू फरार था थी वन अड़ी सूरत में जैसे खुदा ना खास था को रेलवे जरिए इतो को असलो क्रॉस कराया वे या एक खफिया नुकसानकार शूँ क्रॉस कराई वन तो तक चेक करने के लिए का इक्विपमेंट को सर मेटल डिटेक्टर से अला भी कुछ भी कोने मां उहा भी कोशिश कह छो तो इतने मुझे लिए जो प्रॉब्लम है ही मां ही आया जो इन शे के हलया तो तुम इतो बी बजे गाड़ी अचे थी पंजाब में बलोचिस्तान वा तैयार को अगर खुशहाल अचे तो बी बजे तो मुल्तान वा तैयार को वो भी तो मुझे अंडर में उनके भी तो सिक्योरिटी मां दिनी आ उन बावजूद केतरा पुलिस वाला तक दिना तो सर असि इतने मुख्तलिफ जी हाँ असा 52 मानू आन जो ट्रैक पेट्रोलिंग कन था सर इतों असि 36 की सेक्शन स्ट्रांग आ थाने की सर
उन में भी तकरीबन असा वी मू तो ड्यूटिन से जो ट्रैक पेट्रोलिंग मुख्तलिफ़ ड्यूटी कन था पंज रेग हैं सर उन ड्यूटी कन था नफरी की भी अस बिल्कुल कमी आ जी ये अस मेन जो मसलो आ मेन सर टेवीन मू टेवीन की सेक्शन स्ट्रांग है उतने असा टोटल 14 मूँ हाँ 14 में भी असो यार्ड आदो इलाको आ हि इलाको तुम पान ही दिसो था पान ही चो था हि इलाको बलूचिस्तान कसड़ आ हाँ हि स्टेशन सर शहर में आ जहाँ ही ट्रेक दिसो था जहाँ शहर से वाबस्ता हाँ उन माख मुझो जो पावर आ असली 5 फुट 7 इंच ट्रेक जो आ हाँ जो बाहर मानू अचन था जेस तीन बाहर इंतजाम मदद न कदी तो इन कंट्रोल नए इतना जिला पुलिस आतो तावन कर सर अस बई जिला जिलो डीपीओ जैकबाद डीपीओ कश्मोर जै वक्त भी कॉल कई है जहाँ मुख्य अड़ो कोई इतला मिलो बमन के बारे में तो उन्होंने फिल फौरन मुझी मदद कई है बी गाल असांजे आईजी साहब डीआईजी एसपी साहब जन कोशिश कई है असा नफरी दिनी वे जी नफरी अस ट्रेक से गदो गद पेट्रोलिंग कर जिले पुलिस पारा दिनी वे जी सर अच्छा एक बी गाल चो था 52 मानू आन जो ट्रेक पेट्रोलिंग कन था वे आन फुट पेट्रोलिंग कदा बिल्कुल फुट पेट्रोलिंग माना उन्होंने का ट्राली वगैरह को रात जो या डी जो का पेट्रोलिंग कर ट्राली को ट्राली हाँ हलई अतों पायलट इंजन हुई जो अस गाड़ी के अगे हल्द बाकी सहूलत की खोट आ बिल्कुल खोट आ जहाँ इतना शहरी ना तुम कदें आया हो कदम शहरी शहरी इतना बयान तो कोचन की बाह लगी कदें आयो आठो तई अचन न सामू मुझे गाल न तो वजीर कड़ी मदद कई अव पानी दिनों तो मैं बाल्टी वी कोचन में रख रहा हूँ पा बीठो सफाई तो कर बाल्टे खरीद खीसे में वरती बिल्कुल वरतियन सर भला यहाँ तो इतने पानी मुहैया कर सरकार की जिम्मेदारी आ स्टेशन इंतजामिया की जिम्मेदारी आ रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी ना रेलवे स्टेशन की जिम्मेदारी आ स्टेशन मास्टर का वी जहाँ रेलवे की बी इंतजामिया है सिविल इंतजामिया है उनकी जिम्मेदारी आ न उ मुहैया को दियन कुछ भी कोने बी गाल मुझे वे में वो प्रॉब्लम है इंक्रोचमेंट थे थी उन वजीर अली डीएसपी भजे अगर मुझी सर पे तो इलाको जो सो दादू को वी जैकबाद तक या जैकबाद वी कश्मोर तक अगर सिपी सेक्शन से भी कोई प्रॉब्लम थे तो वो भी डीएसपी वो अगर का अफसर की मीटिंग थी वो भी डीएसपी जलील भली बुधन ये माना प्रोटोकॉल की ड्यूटी में ही पूरा डीएसपी सजो ढी यो अगर कोई भी मुलाजम रेलवे जो चे तो इन शख्स की गलती है मैं गुनाहगार ये जो सूरत हाल आ गाड़ी की तेजे सामू आ ते चेक कर उनके बाद में जो तक लिखो वो सो लिखो वजीर के खिलाफ लिखो या रेलवे के खिलाफ वजीर अली के खिलाफ असि का वजीर अली से दुश्मन दुश्मनी को वजीर अली पानी ड्यूटी करे पे असा गड इन रेलवे स्टेशन से ही स्टेशन मास्टर गड आन उनसे त डीएसपी रेलवे दाहू तो करे पानी कोने उनके बाल्टियों को जैसा वह समूरी जो समूरी ट्रेन में अंदर पानी हारा वे यो को पुलिस जो कम ना है तो पानी उनमें हारा यो रेलवे इंतजामिया जहाँ जो शंटिंग पोर्टर उनका जो बया अमलदार यो समूरो कम उनको आ पुलिस जो कम उनके सिक्योर करण जरूर है पर स्टेशन मास्टर के सामू उन डीएसपी दाहू क्यों तो पानी मया कर नो दिनों वे तुम स्टेशन मास्टर जहाँ फर्ज असर अंजाम दे रहा है सब का पहले तो पांजो तारीफ करायो तांजो नालो छ है नसीर मान भुट्टो मां ट्रैफिक इंस्पेक्टर आ सिबी कोटी कश्मीर दा स्टेशन जो आ इते स्टेशन मास्टर ट्रांसफर थियो आ बे जे ऑर्डर थे वो अञा आयो कोने जेसा इम के या चार्ज मु वटा स्टेशन मास्टर जी भी बेटा साहब घणो वक्त थिंदो स्टेशन मास्टर कोने इता वट चार्ज आ 4 महीना थिंदा तकरीबन भला हनमल ताणी घणियो बोगियों के नुकसान पोतो सर 7 बोगियों के नुकसान पोतो आ पेरियो वाक्य घना महीना अग में आयो महीनो एक महीनो थे महीनो अग में थे बटा साहब पेरे वाक्य के 3 महीना गुजरी वा न 3 महीना उनको पो एकड़ो वाक्य थे ना जे बाह लगी असा फौरन कंट्रोल कर छियो से ता बा खबर डाटा हो पांजे मामलन को इंशाल्लाह ताला पांजे कम में ते हुंदा ना सर वाक्य 3 महीनन के भी महीनो कर छियो ए महीनो थियो बोगी के बाह लगी उनके असा कंट्रोल करया से सड़न को सिर्फ सीटा सड़ी से उन जो ता सीनियर मुलाजिम लगो ता रेलवे जा हिकड़ी बोगी की कीमत केतरी हुंदी अंदाजन अंदाजन 2 लाख रुपया है ए 2 लाख रुपया में बोगी आए त कबाड़ में भी 3 लाख रुपया कंदी न 2 लाख रुपया सर जके न बोगी जे 2,20,000 रुपया कीमत बाकी जके चेना वाला कोच न उन जी कुछ वधी गए अच्छा हन जी 2 लाख रुपया 2,20,000 भला तवा अस यो बुधायो त हते पानी मया करे देन हते बाल्टियों वठी देन हते बोगिन में जका भी शंटिंग थे
वॉशिंग थे या जिम्मेदारी तवाजी आ न? बिल्कुल असाजी है, अस गजी कदा सर अस इनके सत मुलाजिम एक कोच ला एक मुलाजिम मथे तो डिठो से पुलिस वा वेदो असो वेठो सर इन से गडो अस मू भी ड्यूटी से गडो बाल्टियों पुलिस तो डीएसपी तुझे सामू चो तो बाल्टियों खीसे में वती हन डीएसपी साहब अस मू इन गडा एक मू मू तला मू उन सिक्योर क्या न सर गाड़ी में पानी पानी भरे उन्दा उरदा सीटा मीटा साफ उ कह जैसे गाड़ी अची वी उनके सफाई कर स्टाफ हों स्वीपर आ सफाई कर वो वो उनके धोईंदा साफ कह पानी हारदा सभी सीटन से एक मुलाजिम असल अंडर में सब तुझी स्टेशन से गंदगी लगी पी आ तुझी जो पीण वाले पानी जो टांकियों उ तबाह लगी पन वेहण वाली बेंचू तबाह लगी पन ताल तुम उन बाल्टी वी तेजे सामू डीएसपी तवे सामू गाल तो करे तो उन्हें खीसे में बाल्टियों वी उनके वॉश कन था उन्होंने तुम जो बोगीज आन या जो कंपार्टमेंट वो लॉक कर छो तो वो चेक कर में उनके दिक्कत थे थी तुम जैसे उन्होंने पुलिस इंतजामिया से एतरी नॉन कोऑपरेटिव होंद तो ये मामलो कि सुधरी सो सर ये ना डीएसपी साहब भी कद न चवन ये नॉन कोऑपरेटिव गड हूँ हाँ भी मानों से गड आए यको गड हुए उनके दुआ थी जहाँ सर अस स्टाफ भी डनल है ना इनके स्टाफ इन अंडर में आ सो स्टाफ अस सजो सर सर ये रेल जो इंचार्ज मैं पूरे पाकिस्तान जो जाते में इनके जरूरत पवी है तो वजीर अली के घुरा वजीर अली में उन्हीं शाम जो भी जे भी गाड़ियों वजीर अली कढ़ वजीर अली हल इन कुरान कसम प्लस कर भी गाड़ी नी अचन प्लेटफॉर्म से माना बेखबर बेजानन बेजानन कें तजुर्बो ही को सबूरा ये सैकड़ाट मैं तो चाहे तुझे शहर ही यहाँ ये जो शहर जहाँ बुध सही गाल जो मुझे दुख मुझे कैरी तबाह थी उन बाद में इतने जो भी मूँ रहन था उनसे गाल अस गाल वेड़े ला तैयार मैं ये को तो चाहे की बाकी तावन को बी इतने ऐसो जै मू के चाहे हथ न रख तो मैं विड़ो हाँ मैं डीएसपी उठी जो उनके हथ हुआ मैं हथ हो रेल में दी स्टेशन मास्टर चवे तो पानी भी दूँ था बाल्टियों भी दूँ था तावन भी क्यों जैन आड़े बाह लगी उन तू भी बीठे हैं वजीर अली विस्म आए पे रेलवे तो कड़ो ऑफिसर हो केड़ी हुई छो पिचकारी तो पिचकारी ना पी हले खबर को बुढ़ा साहब तुझे सामू पुलिस जो ऑफिसर दाहे तो को तावन नो थे ना, जो ना है हर मानू जो आ, हर शहरी जो फर्ज आ तो भाई पुलिस मदद कर जा शहर में वे मुझे खिलाफ स्टेटमेंट था दियन सिलरो साहब शहरी आम मानू आ अवाम आ सब का बुनियादी जिम्मेदारी रेलवे इंतजामिया जी आ सर अर्जा ये सब जिम्मेवारी ही मिल्कत असि सब जी कोई शहर वालों के यहाँ मुँह अपील कस अची मुझी मदद कन हालात दिसन तो बाबा उते है तसो ही पूरी स्टेशन ओपन आ खुल आ को भी आयो आ मू तो बाबा तो तू जो ड्यूटी तो करें एक करोड़न की प्रॉपर्टी आ लखन की ना है सही इन ला हर मानू जो फर्ज आ स्टेशन मास्टर चे तो लख रुपये की भोगी जिनके यही खबर को स्टेटमेंट दिया स्टेशन मास्टर के पांजी रेलवे जी कीमत जी खबर ना है रेलवे जी बोगीज जी कीमत जी खबर ना है मामरन को अणवाकुफ़ आ जैकने अड़े अणवाकुफ मानू के बेखबर मानू जे हवाले हेडी एम स्टेशन कई वही तो उनकी आखिर जिम्मेदारी कहीं आ रेलवे इंतजामिया एडी लापरवाही रेलवे जी मिनिस्ट्री एडी लापरवाह जो एकड़े सैकड़ाट मानू जे हवाले अड़ी एम स्टेशन कर छी अं नाजरीन असा सा इन वक्त जैकबाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से एक शहरवासी मौजूद है पुरानो कौम कौमी कारकुन भी रहा है अमीर अली असा सा गलाय उन सा गलाइंदा से अमीर अली ता यो बुधायो मेहरबानी करे तो रेलवे स्टेशन ते बीठल सखर एक्सप्रेस जका हिता जे जैकबाबाद शहरवासियन जिला एकड़ी इलाही सारी सहूलत वाली ट्रेन आए मुख्तलिफ वक्तन ते उन जी बोगीज के बाह दई साड़ियो वियो आए इन का अग में हिता एक बुढ़ल एक्सप्रेस हलंदी ही उ बंद कई वही है अड़ी किस्म जो साजिशू आखिर कड़ो पैगाम दिन थी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम साई मां एक शहरी की हैसियत से मां पान परेशान आ तो आखिर ही वाक़ा छो था थन पे सजो रेक जो है ना यो ओपन बीठो हों ये मू वा वगैरह वगैरह कदें अड़ो वाक्य न थो पर ही अनकरीब एक बे के पुठियाँ ये वाक़ा थियन थे हाँ असो ध्यान तो यो ही वन तो शायद रेलवे इंतजामिया की नाहली के करे एंड ट्रांसपोर्टर की मिली भगत के करो सब कुछ थे तो
छो तो यह एक हकीकत आ जेका बाजी अवाम के लिए फैमिलीज के लिए एक वे में वही सहूलत आ जे इतों ही चढ़ी कराची लाए रवाना थन थी पर जैसे ही बंद कई वही या बंद कराई वही तो असड़ी वही तकलीफ थी इो भी अस मूँ था तो रेलवे जो ही डीएसपी जो चंद मिंट गाले पो तो ड्यूटी सही नमूने में दियां तो या पुलिस का कम सुठो वठा तो या भी पंजी जाते हकीकत है तो वो ड्यूटी कन था पर उन मौजूदगी में भी बोगियो सड़न यो अस समझ का बाहर आ न हो चवे तो एक तो इक्विपमेंट को अड़ा जैसा अस अड़ो बारीक पाउडर चेक कर सूँ अड़े ही किस्म जो बारीक पाउडर उनमें केमिकल इस्तेमाल कर तो वे जो नजर नो अच्छे असा अड़ा औजार को इक्विपमेंट अड़ा को जिनसा चेक कर सूँ उन अलावा रेलवे इंतजामिया असन नी कर इतना जहाँ जिम्मेदार असा तावन न था करन पानी हारण के लिए भी पुलिस पान पानी थी हारे जो उन कम को शिकायत भी पिण हुई साई ताउन न करण में ये शख्स भी वधन था तो आखिर ताउन छो न तो थे इंक्वायरी छो न थी थे चलो बाह किए लगी उन्हीं के छो बाह लगी आखिर उनमें के हथ मुलवसन उन अगर ही सच्चाई कन तो समझा तो पहुंची सकन था इत डीएस साहब आयो उनके इया ही रिक्वेस्ट कई वही तो बाबा इनके तुम बुढ़ल कर हलो इतने बिहारे उनके चारों तरफ पहरा दियो था अज वरी यह कंडीशन डिठी आ वतान उन्हीं ट्रेन के लिकाइंदा बाबा इतने सही न रही उन कुंड में सही रही केस ताई आखिर इन करे बेहतर तरीको इो आ बेहतर तरीको बस इो आ जी अचे थी इनके वरी बुढ़ल कर रोड़ी ताई रवानो कन वरी हु वापस अचे इनमें रेलवे चार पैसा भी कमाईंदी इन जो टेंशन भी खत्म थी वो ए बेहतर तरीको आ बाकी इन लिकायण से पहरे जन से पहरन के बावजूद भी तो बाह लगे थी ना तो बाकी फायदो छा इन करे असा इहा ही रिक्वेस्ट कंदासे तो मेहरबानी करे इनी मसले जो इयो ही हल्ला इनके इतना रवानो कियो हु हलंदी रहंदी मुसाफिर में वेठा हुंदा कें के बाह लगन जो मौको देने जो मौको न मिलंदो बस सही मां ता अर्ज कया तो ही जो टेररिज्म जो एक्ट आ वो फिनोमेना इंटरनेशनल भी आए नेशनल भी आए वो उनके लोकलाइज एंगल का न ऐसूँ तो ही को लोकल अस फिनोमेना है तो बाबा ठुल में थे सिर्फ उनके ठुल के अस फेंसिंग कर उनके अस ऐसूँ गाल ही टेररिज्म जो एक्ट न नो आ न जल्दी एंडिंग जो प्रोसेस आसो पे खिलाफ टेररिस्ट के खिलाफ असाजी ज़रब अज़ब भी हले पाई पूरी कौम इन खिलाफ आए गवर्नमेंट भी मसले में सीरियस आए को अस इनके लीजरली को खो पे अस कई ओलन के को खो पे जेस तक ताल्लुक है तो असो जो रेलवे पुलिस आजा एफर्ट्स वे पी तटो इनखा पैरें ही करें ये को इन गाल के सीरियस वरतो पायलट गाड़ी इनका अग में गुजरी है तो रात वरी फुट पेट्रोलिंग जुदा कन था पे तो उन बावजूद थी तो वे तो तुम क्रिमिनल है उनकी इनिशिएटिव उन्हीं वट आ पहल वो कह असा प्रिवेंशन की कोशिश क्यों था अस रोकने की कोशिश क्यों था जरूर किथे न किथे असाजी स्ट्रेंथ में किथे न किथे असाजी एफर्ट्स में किथे न किथे असाजी हाजिरी में का लेकिंग थे थी उनको फायदो वटी करे वो एक्ट करे था वजन नाजरीन जैकबाबाद रेलवे स्टेशन समेत जैकबाबाद रेलवे स्टेशन का ट्रैक्स निकरन था हिता न सिर्फ बलोचिस्तान तरफ तो वाकई अकेलो ट्रैक वे तो बलोचिस्तान जो को भी अड़ो रेलवे जो ट्रैक बो को जैकबाबाद का गुजरने का सवा बलोचिस्तान में दाखिल हो अकेलो ट्रैक है बलोचिस्तान तरफ वेंदड़ उनके लागी तो थ्रेट्स रहा उनते केतरा भेरा धमाका भी थे उन रेलवे ट्रैक पेशावर तरफ वे तो जैकबाबाद का जिता अकेली ट्रेन खुशहाल खटक वह गुजरती है उन ट्रैक से भी केतरा भेरा धमाका थे ट्रेन हादसा थे केतरा ही मू जख्मी थे उन अलावा रेलवे स्टेशन जैकबाबाद की यार्ड से बीठल जो बोगीज होजन थी अफसोस जड़ी गाल है उतां जो रेलवे स्टेशन जैकबाबाद जो स्टेशन मास्टर चवे तो 2 लाख रुपये की लागत से ही बोगी तैयार थी कबाड़ में भी विकणजे तो वह 3 लाख रुपये का उनको लो आ एडो बेखबर मानू उते मुकरर के वो है जैसे का खबर ही कोने रेलवे की कीमत की खबर ना है उनके मुल की खबर ना है उतो के इंतजाम की खबर ना है उते पुलिस वारा रेलवे बोगीज में पानी हारे रहा डीएसपी रैंक जो मानू पान पानी हारे रो हो उनकी दाह हुई तो रेलवे स्टेशन से पानी भी कोने मौजूद जैसा उ बोगीज में पानी हारन तो वो केमिकल वगैरह जो खर्च होजे तो वो खत्म थी वे का सहूलत रेलवे स्टेशन से कोने का सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को कुछ भी कोने एक ना अहल इंतजामिया होजन के करी समूरा हादसा पेश अचन था ई एन
एन साहब जो है वह तो जो बरियल जिमाए समूरे मामले का उन वेचारे के भी जो का खबर को समूरा मानू जी जिम्मेदार ला तालुक हों तो आम मानू भोगी कौमी नुकसान इन हवा से इन वक्त अस जगबाद जिले के डिप्टी कमिश्नर राजा शाहजमान खोड़ो साहब मौजूद आयो उन गलसी तो ये समूरा हादसा थन्दा रहन था रेलवे ट्रैक्स से धमाका थियन था भोगी सड़न थियं एक इंतजामी सिविल इंतजामी अमलदार के हैसियत में इन समूरे मामले के किए था दिसन। अस्सलाम वालेकुम साईं जी। वाईकुम अस्सलाम। ती ग बजा गई सही है। रेलवे पाकिस्तान रेलवे असासो कौमी असासो जैसे बचा कर सभी फर्ज आ रेलवे पुलिस रेलवे जो इदारा जी इंतजामिया जी गाल के वो पा खुद कफील इन सिलसिले में तो पानी हिफाजत पा कर सकन था हर लिहाज का वो आन कैपेबल बाकी जी गाल दहशतगर्दी की हाँ ये नई गाल ना सजो मुल्क सजो सूबो असो दहशतगर्दी के घेरे में आस रेलवे जो जैसे भी उनको अड़ा इंसिडेंट्स थे असन की भरपूर हेल्प कह जी भी को इंसिडेंट थी उन्हें बाद में भी या उन पे भी अस मीटिंग्स में इन 12 दफ़ा चुना था सीसीटीवी कैमराज हणा पाँगी कुछ सिक्योरिटी के वधाएं जी अंदरूनी जो मुझो जो जाती ख्याल है तो वो जो उन्होंने अंदरूनी इंतजामिया है वह क्या तो इतों की लोकल रखन के जिम्मेदार मू रखन छो तो रेलवे मास्टर जी तक गाल कि पे ब इंसिडेंट थे बो हु हाँ को वो बो अची वो है तो रेलवे अथॉरिटीज़ के मीटिंग्स में तो अस 12 दफ़ा चवंदा रहा असे इंतजामिया में तहजे में इंतजामिया में थी तो का गड़बड़ आ जैसे कर अड़ा मसला मसाइल थे बन के विथी मिले थी अड़ा कम कर सिक्योरिटी के हवा से असि पुलिस भी है असा को भी पुलिस कवर जो है वो उन्होंने एस पी साहब के चवंदा तो उनके थोड़ा हेल्प आउट कर सिलसिले में। डी सी साहब ऐसो तीन जी मुकर इंतजामिया है उते नंढी रैंक जो मानो मन जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के त मन मुकमिल तौर पर जो डिनाई कर छो लगे उते ट्रैफिक इंस्पेक्टर के रेलवे जो स्टेशन मास्टर कर विहारे वो है जो केतर महीनों का वेठो है जैसे का खबर को अड़ी सूरत में जैकबाबाद जिले जहाँ मानू जाहिर है एक अहम स्टेशन आता खोड़ सारे बेन सूबन के सिंध बलूचिस्तान के मुख्तलिफ कैपी के पंजाब के मुख्तलिफ इलाक इतना ट्रेन वे थी खुशहाल खटक पंजाब के क्रॉस कर कैपी के ती वी पहुंचे थी इतना मानू सफर कन था तो समूरे जो समूरों आम मानू से असर पवो वो भोगी इन सूरत हाल में इतना सिविल इंतजामिया के हेड की हैसियत से ती कर रेलवे स्टेशन के विजिट किया या उन इलाकन के ऐसी उन स्टेशन के ऐसी उतना इंतजामिया से मिली कर सूरत हाल के जाचो है तर्ज क्यों ना तो लास्ट मीटिंग जी थी हुई असि उनमें यो ही ट्रांसपायर थो तो लोकल इंतजामिया जी उन बद इंतजामी के करा मसला थे अड़ी शीएस रेलवे से भी कल है बल्कि पा ट्रेवल कह बाय रोड भी बाय रेलवे भी कह ट्रेवल तो पा ही अंदाजो तो सही होजन खबन शो बाद में भी बाकी जी इंजीनियर्स हैं वो जैसे बम धमाको तो अस मीटिंग्स या एक जगह से असा वेंदा पे काफ़ी दफ़ा ये थे उनके भी असा ये थे उन्होंने जहन में कुछ बियं गाल तो सही जो बी ट्रांसपोर्ट माफिया है शायद वह इन्वॉल्व आ असें नी चाहे तो सखर एक्सप्रेस वही ट्रेन आज वे थी सदाई उन बोगियों में बाह लगे थी अड़ा उन खदशा हुआ पर उन्होंने असा रूल आउट किया मतलब मुझे मुताबिक ये तो भाई एतरी डिमांड आ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एतरी डिमांड आ भले ट्रेन भी भरजी वे तो भी गाड़ी भरजी वो माना उनमें केर कंदो तो छो कंदो को गाल हुजे या तो ये हुए तो सकर एक्सप्रेस सब मानी खोई थी वजना इनके लॉस तो पे जी बी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ये है को तमाम घनी डिमांड आ जो सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अस खोटल है एक मसलो अस तो वो भी ना इन पाँच इंतजाम है जी बद इंतजामी जी उनको को मसलो है सो वो असा इनके अस वरी भी इनके राइटिंग में भी दई छो पे तुम मसलन के सॉर्ट आउट करो जे जूनियर ऑफिसर्स हैं उनके ना बच्चे सीनियर मानों के जेके जिम्मेदार मानों जन उनके इते रखे वने मुकरर कर वने ता उनन जे इन खदशे के इन इम्कान के रद्द था कयो ता को ट्रांसपोर्टर्स जी या का साजिश थी सके थी यो इम्कान कतई नाही उन जी पांजी ना आली आए उनके अलावा राजा साहब हेता जे मानन अवामी जेके धड़ा हैं जेके हल्का हैं उनन जो यो चवण है ता अग में हेता माजी में लोकल सतह से बुढ़ल एक्सप्रेस के नाले से एक ट्रेन हलई वेंदी जी सख जैकबाबाद का रोड़ी ताणी वेंदी सागी सखर एक्सप्रेस के उन्हें डिमांड आए जैसे इतने पहुंचे थी तो उनके चक्कर बुढ़ल एक्सप्रेस वाली हैसियत में लगाए वहीं तो उतने बीहण वाली कंडीशन भी न होंगी उ मानों की जरूरत है तुम भी वाकई समझो था तो लोकल सफर के लिए इन शे की जरूरत है।
हाँ जी अर्ज क्यों इतने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड ही डिमांड है। ट्रेन बढ़ाने खपे बुडल जी तुम चो था पुराने दौर में हल्दी तो वह भी हलन खपे जरूर हलन खपे। रेलवेज जहाँ पाँचा इशूज आन उन फाइनेंशियल करंसिस गवर्नमेंट पोई गवर्नमेंट हाँ वे गवर्नमेंट उन मेहनत करे थी तो अस क्यों रेलवेज तुम जो वेझड़ में सफर किया रेलवेज तो कुछ बेहतरी आई है निज़ाम में ऐसा वो अस बुडल एक्सप्रेस जो मुख्य नई खबर तुम पे दफ़ा निशानदेही कई है तो अस राइटिंग में भी लिखी मोकलूँ तो उड़ी सर्विस वरी शुरू कई वन तुम सिविल इंतजामिया के हेड होने के नाते इन गाल की जरूरत महसूस ना कर तो रेलवे इंतजामिया के भी सदाए ट्रांसपोर्टर्स जो अगवान हैं उनके भी सदाए उनके इन खदशे के रद्द किया वे उन जहन में यह गाल खारिज कई वे तो ट्रांसपोर्टर्स वो लड़ो अड़े किस्म की साजिश में इन्वॉल्व थी सके तो छोजो ही तमाम वो मामलो है जो ट्रेन में धमाका थन कौमी मिल्कियत है वह तबाह पी थे यो खदशो भी खत्म किया वे उनके रेलवे इंतजामिया है उनके अना चुस्त करने के लिए उनके का भी राय दिनी वे या उनके कोई हिदायत दिनी वन जिले इंतजामिया के हेड होने के नाते से तो वह बेहतरी आने सकन यो तक दस तो यो जिक्र डिस्कस थी रही है केर इन्वॉल्व थी सके तो असल में हाँ ऐसो पाकिस्तान रेलवेज की पुलिस भी है पाँगी उन्होंने इंटेलिजेंस भी होंगी असानी भी सपोर्ट उन्होंने है पाकिस्तान रेलवे जहाँ मूँ भी हैं तो जो ये हवा में गाल ना एक या तो असर पिनपॉइंट कर बुधा तो कोई अड़ो इंसिडेंट थो कोई इन्वॉल्व है तो जनरल एक इंसिडेंट थे तो उनके वे तो बाबा हे वारा था कन ट्रांसपोर्टर्स था कन तो ये हवाई गाल कें इल्ज़ाम तराशी है या जो सुने सभी गजी भी विहारे तो कड़ो प्रूफ है वो चवंदा वो कदें क्यों असा को मूँ दियो का गाल कड़े हिसाब से था क्यों जनरली जो डिस्कस क्यों तक अगमें वर्स क्यों तो ओवरऑल तो डिमांड आ ही है ना तक उनमें कें नुकसान को मन एतरी डिमांड आ भले गाड़ी खी वन ट्रेन जो उन्होंने ट्रेन से सफर करना चाहिए हों नहीं जो उन वेगन से कर वेगन से जैसे तकड़ो पुजनो हों न वो उन पास तो चवने मकसद वो इन 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 गाल रूल आउट था क्यों तो भाई या तो पिनपॉइंट कन या तो कोई जैसे जनरली गाल कन था उन्हें बुधा तो ये मूल इन्वॉल्व आन तो अस उनके लीगल एक्शन भी क्यों या मीटिंग्स भी घुरा या कुछ कर सकूँ बाकी यो इं बहस बरा बहस हिसाब से तो उन्हें जो खड़तेल निकरण को नाजरीन तुम मुख्तलिफ जी अख्तियार रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर जी गाल भी बुधियं उत्ते मुकर रेलवे पुलिस के डीएसपी साहब की गाल भी तुधो पर जैकोबाद जिले के सिविल इंतजामिया के हेड डिप्टी कमिश्नर राजा शाहजमान खोड़ो साहब की गाल बुधूँ उन चवण यो है जी नाअहली के बेते इल्ज़ाम की चादर वेढ़े कर नाअहली के लिकाय तो वह एक अलग गाल है बाकी कें भी तरह से उन खदशो जाहिर किया हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स जी उड़े किस्म की हरकत कर सकता कतई नामुमकिन है छो जो उ भी शहरवासी इतना के शहर जहाकू आन ही इन पाकिस्तान जहासी इन मुल्क जहासी कतई अड़ी हरकत ना कर सकन वो कारोबारी मूल जरूर आन दहशतगर्द तो ना जो अड़ी हरकत कदा पाँची नाअहली के लिकायण के लिए कें इल्ज़ाम हणी छे ये ढी आसान गाल है रेलवे की इंतजामिया समूरी जो समूरी पाँचे फर्जन का गाफिल जरूर है पर वो नाअहल भी ढी नजर अचे थी छोजो उनके समूरी इंतजाम की खबर ही को रेलवे जो कड़ो मू किथे हुजन खपे का खबर को ए इन साहब वो पाँची गाल कर रो है जो उनके का खबर को चवण है तो आउटसाइड से मुझे जिम्मेदारी है वह आउटसाइड वाली जिम्मेदारी उनकी केतरी पूरी थे थी वहाँ सभी के अगे रेलवे ट्रैक जी आउटसाइड से आन को भी उनको यो भी चवण हो तो उनके कड़ा इक्विपमेंट ना जैसा वो अड़े किस्म की सूरत हाल के जाचे सकन रेलवे स्टेशन से सहूलत की उणाट थोड़ी गाल है पर मानुन जो हयात खतरे में आन जड़ी नाअली अड़ी काहली अड़ी सुस्ती वाली रवश जारी रही तो शायद इन जैकबाबाद की रेलवे स्टेशन के जानी वाणी उन्हें साजिश तबाह कंदी जिंद रेलवे अमले की साजिश तबाह कंदी बलोचिस्तान तरफ रात जो कदें भी का ट्रेन वही नी सके वह अगमें ही किस्म जो खौफ मौजूद है वरी ही सिंध पंजाब ए के पी के ऐसा वेंद्र ट्रेक भी गैर महफूज थी वन तो जाहिर है ही समूरे जो समूरो रेलवे जो नेटवर्क जैकबाबाद में ख़त्म किया वो अड़े किस्म जहा ये इशारा जड़ा तो उनकी हरकत में मिली रहा है इन सूरत हाल के रेलवे की मिनिस्ट्री समेत मुल्क जे अहम जिम्मेदार हैं उनके इन तरफ तवज्जो दई कर इन समूरी खदशन अवामी खदशन के ख़त्म कर सूरत हाल के बेहतर बनाए मानुन जो यो विश्वसा खत्म किया वन तो को रेलवे जो सफर हाँ गैर महफूज रो है इंदड़ प्रोग्राम तीन मेज़बान अजहर गुल सरगी की दींदा इजाज़त अल्लाह हाफिज़।